to my YouTube channel. Today is my color series episode 2 और आज के tutorial में हम लोग ये look create करने वाले हैं which is a mixture of orange and yellow. Before we get started, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज कुछ अपने favorite brands के newly launched products भी try किए हैं. उसके साथ साथ आज के पूरे tutorial में मैंने अपने favorite products use किए हैं जो कि मैं खुद daily routine में use कर रही होती हूँ. ठीक है? Especially the foundation. That is like my all-time favorite foundation. और वो मैंने आज use किया है. उसके अलावा मैंने एक cut crease का look आप लोगों को करना सिखाया है. पहले subscribe to my YouTube channel और उसके साथ साथ bell icon press करना ना भूलें ताकि मैं जो भी next video लगाऊं वो आपके पास सबसे पहले आए. Now go ahead, get started and enjoy the video. ओके ब्यूटी, सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यू कैन बी की 4C पैलेट. इट्स अ रियली प्रीटी पैलेट और इनके साथ मेरा कोड भी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है. मेरा कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. अब क्योंकि हम कट क्रीज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसी भी प्रिसिजन ब्रश से थिन सी लाइन बनाएंगे. उसके बाद हम कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और सेम कलर से अपनी लाइन को ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन्स नज़र ना आए. उसके बाद मैं उसमें एक लाइटर शेड मिक्स करूंगी और उनको मैं ब्लेंड कर लूंगी. मैं ऑरेंज ले रही हूँ, आपके अपने हिसाब से ले सकते हो. उसके बाद मैं लाइटेस्ट टोन लूंगी येलो का और उसे ब्लेंड आउट कर लूंगी. देन हम आएंगे अपने कट क्रीज पे. कट क्रीज इज़ अ बिट ट्रिकी, लेकिन अगर आपका एक दफ़ा कमांड उस पर आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो. इजी तरीका है कि लुक डाउन और अपने नेचुरल लिड एरिया को फॉलो करते जाएं, आप आराम से कट क्रीज कर लोगे. फिर मैं लूंगी मेरी अदर फेवरेट पैलेट विच इज़ हुदा ब्यूटी की नियॉन पैलेट. इस पैलेट का येलो कलर इज एक्सट्रीमली प्रिटी, एक्सट्रीमली पिगमेंटेड. मुझे ये बहुत पसंद है. मुझे येलो कलर जब भी करना होता है मैं नियॉन पैलेट से ही करती हूँ. गाइस कैन सी कितना प्यारा कलर है. फिर आएंगे हम अपनी आई लैशेज पर. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट टच लंडन की लैशेज इन द स्टाइल कैंडी. वंस आई एम डन विद दैट, अब बारी आती है फेस की. तो सबसे पहले हम लगाएंगे इल्यूमिनेटर एंड आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा लगा लिया स्वीट टच का, बट इट्स वर्थ इट. मैंने स्वीट टच लंडन का लिक्विड इल्यूमिनेटर लगाया है इन द शेड मून ग्लो. और इसके बाद जब फाउंडेशन लगाएंगे तो इतना प्यारा ड्यूई लुक आएगा. आई लाइक माई फाउंडेशन ड्यूई. अब मैं ले रही हूँ अपना फेवरेट फाउंडेशन ऑफ ऑल टाइम्स जो कि है टू फेस का बॉर्न दिस वे. माई शेड इज़ वेनिला एंड ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन है. इतने नेचुरल कवरेज देता है, बहुत प्यारा फ्लॉलेस लुक आता है. सो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया. नाउ बारी आती है मेरे न्यू फेवरेट प्रोडक्ट की जो कि है ग्लो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का न्यूली लॉन्च कंसीलर. ये बहुत हैवी कवरेज कंसीलर है और आप खुद देखना अभी कि कितने अमेजिंगली ये मेरी अंडर आइज़ को एक पॉप देगा. एक तो ये क्रीमी है, तो इट्स सो इजी टू ब्लेंड और ये उसके बाद इतना अमेजिंग सा हाइलाइटेड इफेक्ट देता है. आपके फेस पे एक फ्लॉलेस फिनिश आ जाती है. इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. आई एम यूजिंग इट इन द शेड आइवरी एंड यू गाइस कैन सी कितना प्यारा फ्लॉलेस मेरा फेस लग रहा है. नाउ टू कॉन्टोर एंड स्कल्प माई फेस. मेरी अब एक न्यू पैलेट है जो कि मुझे फेवरेट हो गई है मेरी आजकल. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आपको ऑलरेडी पता होगा ये है काशीज की प्रिटी गर्ल पैलेट. मेरे इंस्टाग्राम पे इसका पूरा एक रिव्यू है. इतना प्यारा अमेजिंग कॉन्टोर है, इसको ज़रूर ट्राई करें. देन मैं लूँगी अपना फेवरेट क्रीमी ब्लश. आज मैं ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी अभी अंदाज़ा हुआ है. ये मैंने लिया है लशियस का क्रीमी ब्लश इन द शेड चेरिश. बहुत प्यारा है, आप फिंगर से भी लगा सकते हो, बट आई लाइक टू ब्लेंड इट विद ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई लाइक टू पुट अ लॉट ऑफ ब्लश. तो वो आपकी अपनी मर्जी है. नाउ इट्स टाइम टू डू आवर लिप्स. उसके लिए मैं ले रही हूँ काशीज की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रूबी रेड. बट मैं इसकी सिर्फ आउटलाइन क्रिएट करूंगी बिकॉज मुझे एक डिफरेंट शेड बनाना है. मुझे सिर्फ रेड कलर नहीं चाहिए. तो पहले मैं इसे अच्छे से आउटलाइन क्रिएट कर लूंगी. उसमें मैं मिक्स करूंगी ओफ्रा कॉस्मेटिक्स का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पैसेडीना. ये बहुत प्यारा शेड है, इट्स अ प्रीटी न्यूड शेड. और अब आप खुद देखिएगा दोनों को मिक्स करके कितना प्यारा ब्लेंड बनेगा. दिस इज़ द आर्ट ऑफ मिक्सिंग, वाओ. अब आप खुद देखें कितना प्यारा सा इसका शेड बनता जा रहा है. सो मेकअप इज़ एन आर्ट, अगर आपको आ जाए तो भाई मज़े ही मज़े. अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की जो कि है हाइलाइटिंग योर फेस. उसके लिए आज मैं एक पाकिस्तानी ब्रांड की बहुत अमेजिंग, बहुत रीजनेबल पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि है ब्लिंग बाय नादिया की, जो कि नादिया हुसैन का ब्रांड है. नाउ बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड, इतनी अमेजिंग, इतनी पिगमेंटेड हाइलाइटर पैलेट होना बहुत अच्छी बात है. मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील होता है जब पाकिस्तानी ब्रांड्स इतने अमेजिंग मेकअप लॉन्च करते हैं. दे कम अप विद सच अमेजिंग प्रोडक्ट्स. तो आप देख सकते हो कितना ब्लाइंडिंग इसका लुक है, इट्स सो सो प्रिटी. You cannot feel this energy. So guys,
guys, that was today's look. I hope आप लोगों को आज का look पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा, मजा आया है तो वीडियो को जरूर thumbs up दें, उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग मेरी सारी वीडियो से अपडेटेड रहें. हम मिलेंगे इन माई थर्ड एपिसोड विच इज गोना बी सम अदर अमेजिंग कलर ब्लेंड. उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड टू माई चैनल. मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें बिकॉज वहां मैं अपडेट करती रहती हूँ. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. एवरीथिंग इज मेंशन इन माई डिस्क्रिप्शन. I'll meet you guys in the next episode. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.